फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिन्हाज गार्डन। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं अपने गार्डन का छोटा सा ओवरव्यू शेयर करने जा रही हूं। तो सबसे पहले तो मैं पिटूनिया से शुरू करती हूं। तो ये देखिए, देख रहे होंगे ये वाइट पिटूनिया है और बहुत ही अच्छी इसमें फ्लावरिंग होती है। और ये देख रहे होंगे गुलदस्ते की तरह यह लग रहा होगा, भर भर कर इसमें फ्लावरिंग हो रही है। लेकिन दो दिनों से इधर थोड़ा काफ़ी ही गर्मी हो रही है, तो उसके कारण थोड़ा सा प्लांट ख़राब सा हो गया है। तो जैसे जैसे गर्मी आएगी तो ये सब प्लांट ख़राब होते चले जाएंगे। और इधर भी मेरा ये पिटूनिया है जो कि मैं सीड से ग्रो की थी, और सीड से ग्रो किए हुए कई पिटूनिया हैं। तो ये देखिए पर्पल कलर में है, स्टार शेप में, और ये नीचे भी है। तो ऊपर वाले का फ्लावर का साइज थोड़ा छोटा हो गया है, लेकिन इसका फ्लावर का साइज थोड़ा बड़ा है। और ये भी पहले स्टार शेप में ही हुआ था स्टार्टिंग में जब खिला था, फिर धीरे धीरे इस तरह से पर्पल कलर में सिर्फ हो गया है। फिर एक और पिटूनिया यहाँ पे है, ये भी स्टार शेप में ही है और पर्पल कलर में ही है। व्हाइट पिंक शेड में भी थे, तो सभी का सीड्स एक साथ था, लेकिन सिर्फ निकले हैं पर्पल कलर में ही। और इधर ये का है और विन का, ये देख रहे होंगे। तो सबकी मैं प्रूनिंग वगैरह कर दी थी, और पुराना प्लांट ही है मेरा, उसी को मैं प्रूनिंग कर दी थी। तो देख रहे होंगे इसमें दो प्लांट है, एक पिंक कलर का है, लाइट पिंक है, और ये एक वाइट कलर का इसमें है। तो कितना सुंदर लग रहा है और कितनी अच्छी इसमें फ्लावरिंग हो रही है। और गर्मी में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग इसमें होते रहेगी अभी विनका में, क्योंकि अब ये तो पिटूनिया वगैरह सीजनल प्लांट है, ये सब ख़त्म हो जाएंगे। और विनका है जो कि गर्मी में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होती है विनका में। और इधर देख रहे होंगे इसमें एक ये हाइब्रिड विनका है, और ये देख रहे होंगे इस तरह से है। और ये कलर खुद ही निकला था पिछले साल, तो मैं प्लांट को संभाल कर रखी हुई थी और मैं उसे ही फिर से रिपोर्टिंग कर दी हूँ। और ये देख रहे होंगे इसी तरह ये भी है, लेकिन इसका कलर थोड़ा और लाइट है। तो इस तरह से ये कलर खुद ही निकले हैं मेरे गार्डन में पिछले साल। और इधर गजानिया है, तो गजानिया में अभी जब इस पर धूप लगती है दोपहर के समय में, इसके फ्लावर्स पूरी तरह से खिल जाते हैं। तो कई सारी इसमें कलियां बनी हुई है, बहुत सारी कलियां हैं, और ये सब खिल जाएंगे अभी दोपहर में, खिलेंगे जैसे इस पर धूप पड़ती है। तो अभी धूप नहीं है इसलिए इस तरह से है, और मैं सुबह के टाइम में ले रही हूँ। और इसमें देख रहे होंगे ये सनफ्लावर का बहुत सारा सीडलिंग्स निकला हुआ है, और मुझे इसे निकाल कर सेपरेट करना था, लेकिन मैं कर नहीं पाई हूँ। ये करी पत्ता का प्लांट है और इसमें फ्लावर्स आ गए हैं मेरे ख्याल से। यहाँ से मैं पहले ही एक पिंचिंग कर दी थी, तो इसमें तीन स्टेम्स निकले हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसको और छोटा मुझे करना चाहिए था, क्योंकि यहाँ से ये बहुत बड़ा प्लांट हो जाएगा मेरे ख्याल से। और नीचे से मैं इसको कट कर दूँ, और इसमें ये सीड्स निकल गए, फ्लावर्स निकल गए हैं, तो इसे मुझे हटाना होगा, नहीं तो फिर इसकी ग्रोथ रुक जाएगी। मेरे ख्याल से मैं इसको प्रूनिंग कर दूँ तो फिर सही चलेगा प्लांट। तो अब चलिए आइए इधर। और ये बटर कप का प्लांट है, और ऊपर में है मेरा बटर कप का प्लांट है। इसको एक बार आप अपने गार्डन में ले आते हैं तो खुद ही इसके सीड्स गिरकर निकलते रहते हैं, और ये कटिंग से भी तैयार हो जाता है। तो अब एडेनियम्स के तरफ चलते हैं। तो इधर देख रहे होंगे मेरे इस एडेनियम्स में तो फ्लावर्स भी खिल रहे हैं, और कई फ्लावर्स तो खिलकर निकल भी गए, टूट भी गए। तो सबकी मैं प्रूनिंग की थी और रिपोर्टिंग भी मैं की हूँ। मैं लगभग हर प्लांट्स की रिपोर्टिंग कर देती हूँ, सिर्फ इसकी रिपोर्टिंग नहीं की हूँ। इसमें खाद वगैरह ऐसे ही डाल दी थी, इसका वीडियो भी मैं शेयर की थी। और ये देखिए ये जो मेरा एडेनियम का प्लांट है, ये भी ग्राफ्टेड है, पिछले साल इसकी मैं ग्राफ्टिंग की थी। और ये ऊपर के ब्रांच जो है ग्राफ्टेड है, और नीचे के ब्रांच इसी प्लांट के हैं, तो मैंने रहने दिया था, क्योंकि इसके कलर मुझे भी पता नहीं चला था कि कौन सा कलर है, इसलिए मैं रहने दी हूँ। और कभी कभी अच्छा भी लगता है एक ही प्लांट में अलग अलग कलर, तो मैंने उसे रहने दिया है। ऐसे ग्राफ्टिंग के नीचे से जो निकलता है उसे हटा देना ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि ऊपर वाला फिर जिससे हम ग्राफ्टिंग करते हैं तो इसकी ग्रोथ कम जाती है। अगर ये सेम जो और भी और कलर मेरे पास है वैसा निकलेगा तो मैं फिर उसको हटा भी सकती हूँ, तो फिर ये ग्राफ्टिंग वाला सिर्फ रह जाएगा। और इसमें देखिए दो सूट्स निकल कर आए हैं, और उसमें भी दो सूट्स निकल कर आए हैं। और इधर इसमें ये स्टेम्स मैं रहने दी थी, इसमें फ्लावर्स भी खिल रहे थे, और प्लस मैंने रहने दिया था कि अगर किसी प्लांट में ग्राफ्टिंग करनी होगी, इसलिए दो स्टेम्स को मैं छोड़ दी थी और बाकी सबकी प्रूनिंग कर दी थी। तो देख रहे होंगे इस तरह से सूट्स न्यू निकल कर आया है। इधर देख रहे होंगे इसकी भी मैंने रिपोर्टिंग की थी, प्रूनिंग की थी, एक साथ की थी, तो इसमें भी बहुत सारे सूट्स निकल कर आए हुए हैं, निकल ही रहे हैं अभी, और अभी निकलेंगे भी। इधर भी देख रहे होंगे, ये देख रहे होंगे। तो ये एडेनियम्स जो है इसकी मैं पिछले साल
ग्राफ्टिंग की थी, ये भी पिछले साल का मेरा ग्राफ्टिंग किया हुआ है। और इसमें देख रहे होंगे, इसकी मैंने प्रूनिंग वगैरह नहीं की थी, तो इसमें देख रहे होंगे कलियाँ बहुत सारी बनी हुई हैं। छोटा सा प्लांट है और ये येलो कलर में बंचेज में फ्लावर्स खिलते हैं इसके। और इधर देख रहे होंगे ये सब गार्डेनियम्स में इसमें ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। ये भी ये रोजी वैरायटी का है, तो ग्राफ्टिंग के लिए मैंने छोड़ रखी थी एक स्टेम्स को कि अगर किसी प्लांट में ग्राफ्टिंग करनी होगी, इसलिए मैंने छोड़ रखा था। फिर ये जो दो प्लांट है इसकी रिपोर्टिंग मैं इधर हाल फिलहाल में की हूँ, इसका वीडियो भी मुझे शेयर करना है। इसकी रिपोर्टिंग मैं पहले ही की थी, तो इसमें फुटाव नज़र आ रहे हैं। अभी पीछे में जो है वो कटिंग से लगा हुआ प्लांट है मेरा, अडेनियम का, अडेनियम के कटिंग्स का, ये पहले का ही है। और इधर देख रहे होंगे ये भी विनका है और ये हाइब्रिड विनका है, रेड कलर का है ये, तो इसमें अभी फ्लावर्स नहीं खिले हैं। और डेविल्स बैकबोन इधर है और उधर पर्पल हर्ट है। और पर्पल हर्ट की तो मैंने इस बार, मेरे यहाँ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहे थे तो इसी तरह फेंका हुआ था, तो इतना वो हार्डी प्लांट है कि इसमें अगर आप पानी नहीं भी देंगे तो महीनों दिन तक पानी अगर नहीं देंगे तो भी वो प्लांट जीवित रहता है। तो उसी तरह बेचारा वो पड़ा हुआ है और फिर भी जीवित है। और ये देखिए सनफ्लावर के सीडलिंग्स मेरे पास इतने सारे हैं और इसे मुझे सेपरेट भी करना था लेकिन मैं सेपरेट नहीं कर पाई हूँ। और इसमें कटिंग से लगा हुआ मेरा मैरीगोल्ड का प्लांट है, अभी कुछ दिन पहले इसमें बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग थी और अभी फ्लावरिंग कम गए हैं, पता नहीं इसमें कोई ये एफिड्स का अटैक हो गया है। और किसी भी प्लांट में अगर आपके गार्डन में एफिड्स वगैरह लग जाते हैं तो उससे सारे प्लांट में लग जाते हैं, तो वही हुआ है। और ये देख रहे हैं होंगे ये पता नहीं क्या है, मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन मैं रखी हुई, मुझे देखने में बहुत सुंदर लग रहे हैं इसलिए मैं इसे रखी हुई हूँ। मैंने नाम भी पूछा था लेकिन किसी ने बताया ही नहीं। और इधर मॉस रोज वगैरह है और ये देख रहे होंगे शमी का प्लांट है, तो शमी की मैंने, शमी मेरा बहुत ही ख़राब हो गया था तो उसको मैंने किसी तरह बचाया है, तो देख रहे होंगे अब इसकी ग्रोथ कितनी है। लेकिन इस स्टेम्स को मुझे यहाँ से कट करना है क्योंकि ये इधर आने जाने में लग जाता है, इसलिए थोड़ा सा इसे भी मैं कट कर दूंगी तो छोटा ही रहेगा, वो ठीक रहेगा। और इधर ये देख रहे होंगे आंवले का प्लांट है, तो ये आंवले का प्लांट मैं पूजा करने के पर्पज़ से लगाई हूँ, इसलिए मैं रिपोर्टिंग नहीं करती हूँ। अगर इसको दूसरे प्लांटर में शिफ्ट कर देती तो ये प्लांट और काफ़ी बड़ा हो जाता और हो सकता है कि फ्रूटिंग भी करने लग जाता। और इधर ये जरबेरा है, तो जरबेरा में अभी तो बहुत ही फ्लावर्स खिल रहे थे लेकिन इसमें भी कुछ एफिड्स वगैरह लगे हुए हैं, तो नीम ऑयल का स्प्रे मुझे करना है, शाम में मैं करूँगी। और इसमें कलियाँ और भी निकल रही है ये देख रहे होंगे, तो गर्मियों में इसे बचाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि ये मेरा बालकनी है और इधर से जो धूप आती है दोपहर से, दोपहर में आती है और बहुत ही अधिक तेज़ आती है, और ये टाइल्स वगैरह लगा हुआ तो इससे हीट हो जाता है, इसलिए और ज़्यादा दिक्कत होती है बचाना। और ये तुलसी जी का प्लांट, इसकी भी वीडियो मैं शेयर की थी, तो ये देख रहे हैं मेरे तुलसी जी कैसे हैं। और ऊपर में भी मेरा प्लांट्स कुछ है और मैं और दिखाती हूँ, तो ये देखिए देख रहे होंगे दूर से इस तरह से मेरा ये गार्डन है, छोटा सा गार्डन लेकिन काफ़ी सारे प्लांट हो गए हैं और भी मेरा प्लांट है। और इधर मैं यहाँ पे रिपोर्टिंग वगैरह काम करती हूँ। और ये देख रहे होंगे ये तीन प्लांट्स की अभी रिपोर्टिंग मुझे करनी है, ये एडेनियम्स के छोटे छोटे फिर से मैंने तैयार किए थे ये एडेनियम्स, तो इनकी रिपोर्टिंग मुझे करनी है लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है, आज मैं शाम शाम तक कर लूँगी, मुझे बाहर भी जाना है तो और दिखाती हूँ मैं। तो ये देखिए इस साइड भी मेरे कुछ प्लांट है और ये है पिटूनिया, ये भी पर्पल कलर का ही निकला हुआ है। और इधर देख रहे होंगे जेड प्लांट, पर्पल हर्ट भी है यहाँ पे और एस्प्रेगस फर्न भी है, ये देख रहे होंगे। और इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी हो गई है, इसकी वीडियो भी मैं शेयर की थी। और अफ्रीकन मिल्क बुश प्लांट है जिसको कि हम लोग कटिंग से भी बहुत सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं, और यह बहुत ही सुंदर लगता था लेकिन ख़राब हो गए हैं कंस्ट्रक्शन वर्क के कारण, और अब इसकी ग्रोथ अच्छी होगी। और ये है मेरा गरम मसाला का प्लांट, तो किचन गार्डनिंग करने वालों को ये प्लांट ज़रूर से ज़रूर लगाना चाहिए, इसके एक दो लिप्स भी आप अगर सब्ज़ी वगैरह में डाल देते हैं तो बहुत ही अच्छी टेस्ट आती है। तो इतने प्लांट तो ये मेरे बालकनी में थे, और भी मेरे प्लांट्स हैं तो ये हैं इधर दूसरे साइड्स में रखे हुए हैं, और इधर कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क भी हुए हैं, तो इधर कम धूप आती है तो यहाँ पर मैंने गुलदाउदी को रख दिया है। और ये गेंदा जो मैं ख़रीद कर लाई थी ये ख़राब हो गया है, तो इधर मैं आज ही रखी हूँ। और ये है कुछ कटिंग्स विनका के, कलर वाइज मैं
ग्रो बैग में लगा रखी हूँ। और इधर है सिंगोनियम, तो सिंगोनियम को भी बहुत सारे एक प्लांट से तैयार कर सकते हैं, लेकिन मैं तैयार नहीं कर रही हूँ। और इधर है ये बोट लिली, और ये बहुत ही सुंदर प्लांट होता है, ऊपर से आपको ग्रीन लगेगा और नीचे से पर्पल, और इसे हैंगिंग बास्केट में लगाते हैं तो और भी सुंदर लगते हैं। और ये बैम्बू प्लांट्स भी इधर ही रखा हुआ है, एलोवेरा भी है, और इधर डेविल्स बैकबोन भी है, और सेंसिवेरिया भी है, स्नेक प्लांट लॉन्ग वेराइटी का भी है, और ड्वार्फ वेराइटी का भी रखा हुआ है। ये देखिए, इससे मैं चाहती तो बहुत सारे पॉट तैयार कर सकती थी, लेकिन मैं तैयार कर कर कहाँ रखूँ ज़्यादा, तो मैं और ज़्यादा तैयार ही नहीं कर रही हूँ, और इसी तरह पड़े हुए हैं। इधर द्वार वैरायटी के हैं, और इसमें भी बेबी प्लांट्स निकल रहे हैं, तो इसको हम बेबी प्लांट से भी सेपरेट कर कर बहुत सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं, और कटिंग से भी तैयार होते हैं। और इधर मनी प्लांट है मेरा, मनी प्लांट भी लगी लगी सा हो गया है, तो इसे भी मुझे प्रून करना है। तो ये सामने खिड़की है, और इधर से थोड़ी थोड़ी धूप आती है, और अभी आ भी रही है, इसलिए इस तरह से लाइट लग रही होगी आपको। तो मनी प्लांट तो अच्छे चल जाते हैं थोड़ी धूप में ही, और मनी प्लांट को ज़्यादा धूप की ज़रूरत भी नहीं होती है। तो इस तरह से मैं इधर कुछ कुछ प्लांट्स को रखी हुई हूँ, और कुछ कटिंग्स वगैरह जो भी मैं लगाती हूँ तो इधर ही रख देती हूँ, और गार्डन के भी कुछ जो सामान है। और ये देख रहे होंगे कटिंग से मैंने एडेनियम्स लगाए थे वो है, और ग्राफ्टिंग क्या हुआ, ये एडेनियम है, तो देख रहे होंगे इसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है। और आज मैंने इसमें पानी डाला है, और इनकी डिपॉटिंग भी मुझे करनी है, लेकिन अभी मैं नहीं कर पाऊँगी, मुझे अभी कहीं जाना है, 3-4 दिन के लिए बाहर जाना है, तो उसके बाद आकर करूँगी। तब तक ग्राफ्टिंग एरिया जो है वो मजबूत भी हो जाएगा, तो और अच्छा ही रहेगा। और इधर ये पंसी है, तो ये विंटर का फ्लावरिंग प्लांट है, तो जैसे ही गर्मी बढ़ती है ये सबसे पहले ख़त्म होता है, तो इसे मैं अंदर रखी हूँ, मेरे ख्याल से ये ख़त्म ही होने वाला है। तो अब मैं आ गई हूँ टेरेस पे, और टेरेस पे भी मेरे कुछ प्लांट हैं, तो इसका भी जगह बदल गया है, ये नीचे के छत पे था और ऊपर आ गया है ये। तो चलिए मैं अपराजिता से यहाँ पे शुरू करती हूँ। तो देखिए अपराजिता की मैं प्रूनिंग की थी, तो ये देख रहे होंगे कि कलियाँ इसमें कितनी सारी निकल कर आ रही है, और निकलेगी अभी, फ्लावर्स खिलने वाले हैं इसमें, देखिए इसमें तो बहुत सारी कलियाँ बनी हुई हैं, बस 1-2 दिन में फ्लावर्स खिलने वाले हैं। देखिए इसमें बटर कप के भी प्लांट हैं, तो देख रहे होंगे कितनी सुंदर फ्लावरिंग हुई है, और इधर भी फ्लावर्स खिले हुए हैं। और ये है हाइब्रिड हिबिस्कस, तो इसकी भी मैंने प्रूनिंग की थी, और इसमें तो फ्लावर्स भी खिल रहे हैं और कलियाँ भी बन रही है। और ये है डार्क पिंक कलर का ये विनका, तो इसमें भी फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है, तो ये भी पुराना ही प्लांट था, तो मैं प्रूनिंग वगैरह कर दी थी। और ये है हिबिस्कस, जिसकी कि मैंने रूट प्रूनिंग भी की थी और स्टेम प्रूनिंग भी की थी, दोनों साथ साथ की थी, तो मुझे तो डर लग रहा था, लेकिन मेरा ये प्लांट बिल्कुल ठीक है, देख रहे होंगे कितना हेल्दी ग्रोथ हुआ है इसका। और ये है कनेर का प्लांट, एक छोटा सा प्लांट था, मुझे किसी ने दिया था, तो फ्री ऑफ कॉस्ट ही है ये, तो इधर इसकी ग्रोथ नहीं हो रही थी, लेकिन जैसे ही मार्च का महीना आया इसकी ग्रोथ बहुत ही हो गई है। और फ्रेंड्स, अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दें, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट्स करें, और मेरे चैनल में जो पहली बार आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं अपनी न्यू वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। और इसी पॉट में नोनी का साग भी है मेरा, बचा हुआ है, तो इसका एक छोटा सा भी टुकड़ा रह जाता है तो वो अपने आप ग्रो कर जाता है, और इसके सीड्स भी गिरते हैं तो वो निकल जाते हैं, लेकिन लोग इसको वीड्स कहते हैं, लेकिन यह बहुत ही फ़ायदेमंद है, इसके तो हमारे यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंस भी है। और ये मेरा तुलसी जी का प्लांट, जिसकी कि मैंने वीडियो भी थी, और इसमें काफ़ी सारे मंजरी आए हुए हैं, तो मंजरी को मुझे हटाना भी है, और ये 3 साल पुराना मेरा प्लांट है, लेकिन अभी भी चल रहा है। तो वीडियो को मैं यहीं पर करती हूँ एंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।